दोस्तों, बॉडीगार्ड साल 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसका निर्देशन सिद्दीकी ने किया था। फिल्म में सलमान खान, करिश्मा कपूर, हेजल कीच, राज बब्बर और महेश मांजरेकर मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। साथ ही फिल्म में आदित्य पंचोली और करिश्मा कपूर कैमियो करते हुए भी नजर आए। फिल्म सिनेमाघरों में 31 अगस्त को रिलीज हुई थी। बॉडीगार्ड एक लव स्टोरी थी। लवली सिंह यानी कि सलमान खान और पर्दे पर दिव्या का रोल निभा रही करीना कपूर ने इस फिल्म में गजब की एक्टिंग की थी। लवली को दिव्या की सेफ्टी की जिम्मेदारी मिलती है और तब से लवली साए की तरह दिव्या के साथ रहता है, जो दिव्या को रास नहीं आता। दिव्या नहीं चाहती कि कोई भी उसकी पर्सनल लाइफ में दखल दे। वो लवली को अपनी लाइफ से दूर करने के लिए छाया बनकर लवली को अपने प्यार के जाल में फंसाती है, लेकिन खुद ही उस जाल में फंस जाती है और यहाँ से शुरू होती है फिल्म की असली कहानी। दोस्तों, आपको फिल्म बॉडीगार्ड तो बहुत पसंद आई होगी, लेकिन अब आपको बॉडीगार्ड से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर बताते हैं। अब आपको बहुत जल्द ही बॉडीगार्ड का पार्ट 2 भी देखने को मिलने वाला है। तो ये फिल्म कौन बनाएगा? इस फिल्म में फिर से सलमान खान होंगे या नहीं? और इस फिल्म की कहानी क्या होगी? इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरों की माने तो सलमान खान के जीजा यानी कि अतुल अग्निहोत्री इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। यानी बॉडीगार्ड पार्ट 2 को अतुल अग्निहोत्री डायरेक्ट करेंगे। अतुल का कहना है कि अभी बहुत सारी चीजें फाइनल होना बाकी है। सबसे पहले तो इस सीक्वल मूवी के लिए ये देखना जरूरी होगा कि इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही दमदार कहानी हो। इस फिल्म को इसके फर्स्ट पार्ट के हिसाब से बड़े लेवल पर बनाया जाएगा। वहीं इस फिल्म में भी आपको सलमान खान ही नजर आने वाले हैं। बॉडीगार्ड फिल्म सलमान खान के बिना तो अधूरी ही होगी, तो आपको इस फिल्म में बॉडीगार्ड के रूप में फिर से सलमान खान ही दिखेंगे। लेकिन सलमान खान ने अतुल की पहली स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया है और उन्हें कहा है कि इससे अच्छी स्क्रिप्ट लेकर आओ। सलमान ने कहा कि हम इसकी शूटिंग पर काम भी शुरू कर लेते, लेकिन स्क्रिप्ट में दम नहीं था। सलमान के जीजा अतुल अग्निहोत्री अब इस फिल्म की कहानी पर बहुत ही बारीकी से काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो सलमान को एक ऐसी स्क्रिप्ट पेश करें जिसे सलमान रिजेक्ट ना कर पाए। बॉडीगार्ड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करती हुई नजर आई थी, जिसने सिनेमाघरों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तो सलमान खान चाहते हैं कि बॉडीगार्ड का पार्ट 2 जो बने वो भी बॉलीवुड में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करे। इसलिए वो चाहते हैं कि फिल्म की कहानी बेहद दमदार हो और इसीलिए वो अतुल अग्निहोत्री से कह रहे हैं कि एक अच्छी स्क्रिप्ट लेकर आओ, फिर मुझसे बात करना। फिल्म के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन फिल्म में दम होना बेहद जरूरी है ताकि दर्शकों को एक बेहतरीन फिल्म देखने को मिले। वहीं जहां सलमान खान इस फिल्म में कंफर्म है ये तो सबको पता है, लेकिन इनके ऑपोजिट कौन सी हीरोइन इस फिल्म में नजर आएंगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। खबरें हैं कि इस फिल्म में सलमान के ऑपोजिट कटरीना कैफ को अप्रोच किया है, लेकिन अभी कटरीना कैफ की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। तो दोस्तों, आप इस फिल्म में सलमान के ऑपोजिट कौन सी हीरोइन को देखना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर लें। फिर मिलूंगी एक और ऐसी ही बॉलीवुड की चटपटी खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।